छोटी भाभी कहाँ गई दूसरा भाभी? सर आ जाइए आप भी भाभी। चलो चलो हाय फ्रेंड्स, तो आपने देखा हम लोग एक पार्टी में गए थे जो कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है हमारी इंडियन एयरफोर्स की पार्टी लाइफ जो बहुत एक्साइटेड होती है। और यहाँ पर ये है ईयर 2019 की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जब मैं नासिक ने एयरबेस पर गई थी तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, वो फ्रेंड्स बहुत अच्छे मेरे बने। तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और सो हियर इज़ दिस। और उस टाइम मेरी नायरा माय डॉटर शी वाज अराउंड 1 ईयर एंड 1 मंथ ओल्ड। तो थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी वो। तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि इन्जॉय कर रहे हैं। और ये एक्चुअली पार्टी हमने थ्रो की थी इन द वेलकम ऑफ नायरा एंड माय जॉब सक्सेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फ्रेंड्स एंड पार्टी। तो यहाँ है जैसा कि आपको दिख रहा है ये ट्रेन का ब्रिज है। और यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई है तो यू कैन सी कि पानी कितना ज़्यादा ऊपर उठ के आ गया है। वाटर लेवल बहुत इंक्रीज हुआ था हमारी सिटी नर्मदापुरम में। दिस इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एमपी। बहुत ही प्यारी सिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नर्मदा जी जो हमारी रिवर है बहुत ही अच्छे से वर्शिप होती है। तो ये वो जगह है रेलवे ट्रैक्स हैं जहाँ पर पानी बहुत ऊपर तक आ गया है और एंजॉय कर रहे हैं रेन का और रेनी सीज़न का यहाँ पर लोग। और इन द कमिंग क्लिप यू कैन वेरी वेल सी मोर फ्रेंड्स। दिस इज़ द तवा डैम ऑन द रिवर तवा। इट इज़ सिचुएटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी नर्मदापुरम। और यहाँ पर 13 गेट्स हैं जो कि बारिश बहुत होने के कारण अभी फ़िलहाल ये गेट्स खुल चुके थे। और यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम का बर्थडे। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा सिर्फ लेडी स्टाफ है क्योंकि हम लोगों ने एक छोटा सा बस एक पार्टी थ्रू की थी मैम के लिए, जस्ट अ स्मॉल गेट टुगेदर। बस वो इंजॉय कर रहे हैं एंड आई रियली लव कि मैम को ये सब बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे थोड़े से इफ़र्ट से खुशियाँ अगर स्प्रेड होते हैं तो आई लव दैट थिंग। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ कि मेरे आसपास रहने वाले मेरे फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स जाओ अच्छा मैम आपको खुश कर सकूँ। और मैं भी उन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत इंजॉय करती हूँ। यहाँ पर मैम के साथ पोजेस थे। क्यों रहे हो पीटीएम में? ऐसे करते हैं क्या, रोते हैं क्या बच्चे? हाँ देखो सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो गंदी बात होती है ना। नायरा बहुत अच्छी है और नायरा नहीं रोती, नायरा अपने पीटीएम में जा रही है। राइट गाइस बोल दो आई एम। और नायरा का बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। नायरा विल हैव अ गुड रिजल्ट। कम कैन यू जंप? नो डोंट जंप, कम हियर, जंप फ्रॉम हियर। Ready? 1, 2, 3, go. Yes. You're grown up, Naira. You're grown up, baby. So this is Naira's school and हम आए हैं यहाँ पर Naira की PTM के लिए। Nayu say hello. Hello to your viewers. This is Naira's school and हम यहाँ किस लिए आए थे? Teaching के लिए। तो Naira का result बहुत ही अच्छा था, उसको A+ and A grade मिले हैं काफ़ी चीज़ों में। तो I'm satisfied and the school की reputation बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा school है होशंगाबाद में। तो what are you saying? My name is Naira Mishra.
ओके योर नेम इज नायरवेशा हाउ वाज योर रिजल्ट रिजल्ट वाज गुड इट वाज बेस्ट राइट यस नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय स्कूल This was the day when class 12th result was out and we are celebrating the success of our students. These are few of our topper students who secured very good marks, 90 plus marks in their class 12th examination. Both science and commerce streams are available at my school and we are so celebrating. This is a team that worked hard a lot and rest of the team members which are not busy. तेरी धूप से रोशन तेरी हवा प्रजंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है रिजे दीवाने की जहां गौर सुहानी देती एक रोज वहां पर मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे देशान पसंद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा फिरना तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा मंजूर हमें है जो भी पूछने रेशम का हो मधुशाला या कफन शहीदों वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है This was a special item by Dev Pathak of my class. उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होकर नायरा ने भी यहाँ पर कुछ कुछ बोलने की कोशिश की है मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है
सही उत्तर है चंद्रमा। मेरा दूसरा प्रश्न तीसरी और चौथी कक्षा के लिए, चांद पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ, चांद पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? सही उत्तर है राकेश शर्मा। प्रश्न तीन कक्षा पांचवी व छठवीं के लिए, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? The scenes here are of our school ground and occasion था कि हम लोग plantation कर रहे थे, class wise हमने distribute किया था और actually it was the production and adoption of plants that we are planting. तो बहुत अच्छा एक innovative तरीका था कि care taking करने का। और यहाँ पर हमारी program की starting ब्रीफिंग मैम की, प्रिंसिपल मैम की ब्रीफिंग के साथ हो रही है। मैम यूज़र्स बता रही थी प्लांट्स के, ट्रीज़ के, हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे नेचर के लिए। तो बस ये ब्रीफिंग हमारी हो रही थी और यही कुछ क्लिप्स हैं। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्लांटेशन किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, हमारे काफ़ी स्टाफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सब लोग बहुत ही इंटरेस्ट लेकर ये काम कर रहे थे। और वो जमीन भी हो जाता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस एंड स्टडीज़, तो बहुत ज़रूरी है ऐसा। यहाँ पर मैं हूँ अपनी क्लास ट्वेल्थ के साथ, जिसकी मैं क्लास टीचर हूँ और यहाँ पर मेरी क्लास के मॉनिटर्स हैं। तो हमारे पास जो पौधा हमें मिला था वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने एक लकड़ी के सहारे से उसको सपोर्ट देने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम एक पेड़ लगा रहे हैं, मैं और मेरा एक स्टूडेंट है, तो एक बहुत ही अच्छी टीम वर्क हो जाता है और एक टीम की फीलिंग आती है कि यस वी आर द टीम एंड हम एक साथ मिल के नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं। जा रही हूँ एक मॉल में, मैं मिलती है बहुत सारे ड्रेसेस और बड़ों की भी मिलती है और बच्चों के भी मिलती है। तुम वाओ, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, अब कहाँ जा रही हो बताओ इधर आके। और वहाँ से अपनी एक ब्लू वाली ड्रेस खरीदूंगी ऐसा वाली। क्यों?
फिर एल्सा कैसे बनते हैं? ड्रेस पहन के ऐसे बनोगी एल्सा? कैसे बनोगी? ओके बताओ कितनी ड्रेसेस खरीदोगी? मैं तो एक ब्लू खरीदूंगी ऐसा, और एक पिंक, एक पे एक बैल होती है, वो कभी कभी पिंक पे बैठ सकती है। तो बैल कौन, घंटी? नहीं, फिर बैल क्या होता है? बैल तो वो होती है जो प्रिंसेस में आती है। घंटियाँ? अरे बैल, बैल क्या, घंटी होता है प्रिंसेस में? बैल मतलब घंटी आती है प्रिंसेस में? प्रिंसेस होती है बैल। प्रिंसेस होती है? हाँ, उसका नाम है बैल। हाँ। अच्छा, मुझे लगा कि घंटियों की बात कर रही हो तुम। घंटियाँ तो वो है जिसमें मंदिर में जब हम जाते हैं ना पूजा करने, सबसे पहले घंटी बजा जैसे तिंग बजता ये तो ठीक। अकेली जा रही हो? नहीं, पापा के साथ जा रही हूँ। ठीक है। ओके गो। बाय नायरा। तो नायरा, वेयर आर यू गोइंग? नायरा वेयर आर यू गोइंग? बाय। हैप्पी शॉपिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज है हरियाली तीज और मैंने ग्रीन पहन रखा है और मेहंदी मैंने नहीं लगाई। मेहंदी मैं इवनिंग में लगाऊंगी, मतलब नाइट में जब मैं सारा काम से फ्री हो जाऊंगी उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। और मैं नायरा बहुत ही ज़िद करके गई है शॉपिंग करने, उसको ड्रेस लेनी थी। आज उसने सुन लिया कि आज नायरा के लिए ड्रेस लेनी है, तो बस वो ड्रेस लेने गई है। बहुत ही रो रही थी, नानी को कॉल कर दिया, नानी के रिकमेंडेशन पे गई है नींद ख़राब करके मेरी। तो बस शेफ कौन, देखते हैं कैसी ड्रेसेस लेकर आते हैं दोनों। सो लेट्स चेक आउट। टाटा।